आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निशहरा टीसीपी पुल के पास जो पंचग्रही मंगल देवी कमेटी है और हमारे जो पालनाथ जी महाराज के उनकी देख रेख में एक लंगर लगाया जाता है, हर साल लंगर लगाया जाता है। आप देख रहे हैं कि कितनी लोगों की आस्था है यहाँ पर, कितने श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें, हमारे कितनी मातृशक्ति जो है वो लंगर का देखो क्रॉस रही है, तो इसलिए ये आस्था है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से ये कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करें ताकि जो इनकी आस्था भाव जुड़ा हुआ है इस लंगर से तो वो उनका पूर्ण हो। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेडिकल कैंप भी है, किसी मतलब 24 घंटे लंगर चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हम सबको आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर इनको हमारे जीवन का आनंद के साथ है। एक बार फिर से हम जो हमारे मैडम प्रशासन के इंतजाम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, दो चार दिन जब ये लंगर शुरू हुआ पूरा प्रशासन यहाँ पर था, तो इसलिए प्रशासन हमें पूरा कोऑपरेट कर रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो लंगर चल रहा है उसमें अपना सहयोग दिया है। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी मातृशक्ति का भी, कितनी आस्था है इनको और ये लंगर कितना अच्छे सुचारू रूप से ये ओवर यहाँ पर चल रहा है। और देखते हैं ये आस्था है इनकी भगवान के प्रति, जो भी श्रद्धालु जो यहाँ पर भुगा मनाते हुए जाता है यहाँ से प्रसाद अनुग्रहण करें। बाकी सब बहुत बहुत देख रहे हैं आप कितने श्रद्धालु यहाँ पर अनुग्रहण कर रहे हैं। बाकी एक बार फिर से यहाँ पर जो पालनाथ जी हैं उनके चरणों में छोटी छोटी बंदन। Yeah.